मैं आप सबका स्वागत करता हूँ आपके एजुकेशनल चैनल में। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में हम विजिट टू अ फॉरेस्ट पढ़ेंगे। तो चलिए जंगल की तरफ चलते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो वो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को ऑन करके ऑल पे सेट कर दो मेरे हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। One Sunday morning, the children packed a few things like a knife, a hand lens, a stick, a notebook and walked together through a forest trail near a village. एक संडे मॉर्निंग को बच्चों लोगों ने फ्यू थिंग्स पैक की, जैसे कि नाइफ, हैंड लेंस, स्टिक, नोटबुक, और चल पड़े जंगल की तरफ। ऑन देयर वे दे मेट टीबू। उनके रास्ते में उन्हें वो टीबू नाम का एक लड़का मिला, अ यंग बॉय ऑफ देयर एज ग्रुप ऑफ नियर बाय विलेज। वो एक यंग बॉय था और वो उनके एज का ही था, उन बच्चे लोगों के एज का ही था टिबू, और वो आसपास के विलेज में था। हु वॉज टेकिंग कैटल फॉर ग्रेजिंग अलॉन्ग विद द सांड। वो मतलब कैटल्स को चराने जा रहा था उसकी आंटी के साथ में। ही वॉज वेरी अगाइल रनिंग हेयर एंड देयर टू कीप द हर्ड टुगेदर। वो अगाइल था रनिंग को चराने के लिए, हेयरिंग मतलब इधर उधर चराने के लिए वो अगाइल था। When he saw the children, Tibu also started walking along with them. Tibu ने जब उन लोगों को देखा, बच्चों को देखा, तो वो भी उनके साथ साथ चलने लग गया। और उसकी चलिए आगे बढ़ के बताता हूँ। While his aunt went on a different path, और उसकी आंटी एक अलग दूसरे रास्ते पे चली गई। As soon as they entered the forest, Tibu raised his hand and signaled them to keep quiet because noise could disturb the animals living in the forest. जल्द ही वो फॉरेस्ट में एंटर हो गए और टिब्बू ने अपना हाथ ऊपर किया और कहा, उनको सिग्नल दिया, उनको कहा कि शांति बनाए रखें, मतलब ज़्यादा हल्ला हुल्ली ना करें, चुप रहिए चलते चलते, क्योंकि अगर आपने शोर मचाया तो ये शोर एनिमल्स को डिस्टर्ब कर सकता है। टीबू देन टुक देम टू अ प्लेस एट अ हाइट टू शो देम द ब्रॉड व्यू ऑफ द फॉरेस्ट। टीबू फिर उनको एक ऐसे ऊंची वाली जगह पे लेके गया जहाँ से उन्हें पूरे जंगल का व्यू दिख सके, उन्हें पूरा जंगल दिख सके। चिल्ड्रन वर सरप्राइज बिकॉज दे कुड नॉट सी एनी लैंड। चिल्ड्रन सरप्राइज हो गए क्योंकि उन्हें एक भी तरफ मतलब पूरे जंगल में लैंड दिख ही नहीं रहा था। चलिए इमेज को देखते हैं। इमेज को देख के आप एकदम अच्छे से आइडिया लगा सकोगे कि यहाँ पे कैसे लैंड नहीं दिख रहा है। तो समझते हैं कैसे लैंड नहीं दिख रहा है। ये ट्री है, ठीक है, ये ट्री है। अब ऐसे बहुत सारे ट्रीज़ हैं। तो अंदर का जो लैंड है, यहाँ का लैंड है, वो दिख ही नहीं रहा होगा क्योंकि जो ट्री है ये, इसके ऊपर का शेड है वो ही तो दिख रहा होगा ऊपर, क्योंकि बहुत ही लंबे होते हैं ये, और इसीलिए इनके ऊपर ऊपर का जो शेड है वो ही दिख रहा था, उनकी पूरी ऊंचाई से वो ही शेड दिख रहा था, बाकी लैंड दिख ही नहीं रहा था। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द डिफरेंट ट्री टॉप्स हैड फॉर्म्ड ग्रीन कवर ओवर द लैंड। अभी मैंने समझा वही है, बहुत सारे डिफरेंट ट्री टॉप्स होते हैं जिनकी शेड ने कवर कर रखा होता है पूरे लैंड को। However, the cover was not uniformly green. Cover पूरी तरीके से green नहीं था। तो चलिए बढ़ते हैं next page की तरफ, दो से आगे पढ़ेंगे। The environment was peaceful and a cool breeze was blowing. Environment एकदम peaceful था और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। This made children quite fresh and happy. पीसफुल एनवायरनमेंट से और क्वाइट ठंडी ठंडी ब्रीज से, हवाएं से बच्चे फ्रेश और हैप्पी हो गए। वाइल कमिंग डाउन दे गॉट एक्साइटेड ऑन हियरिंग अ सडन साउंड ऑफ बर्ड्स एंड सम नॉइज फ्रॉम द टॉप ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज। जब वो डाउन नीचे तक की तरफ आ रहे थे, वो बहुत एक्साइटेड हुए क्योंकि उन्होंने सुना बर्ड्स के साउंड सुने, और उन्होंने नॉइस सुनी ब्रांचेस की, मतलब टॉप ब्रांचेस से वो कुछ नॉइस आ रही थी, वो उनको अच्छी लग रही थी, वो एक्साइटेड हो रहे थे इससे।
दोस्तों आप लोग भी फॉरेस्ट में गए होंगे, आप तो ऐसे एक्साइटेड नहीं होंगे, क्योंकि जब ये लोग बच्चे फर्स्ट टाइम जा रहे थे, उन्होंने पहले कभी फॉरेस्ट देखा ही नहीं था, उनको फॉरेस्ट का मतलब भी दिया उन्होंने बस किताब में पढ़ा था, और मतलब मैं बता रहा हूँ क्योंकि इसलिए एक्साइटेड हुए। आप भी जब फर्स्ट बार फॉरेस्ट में गए होंगे तो आप भी एक्साइटेड तो हुए ही होंगे, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हों तो एक नीचे लाल कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, तो उसको टैप कर देना, फिर एक घंटी का बटन आएगा उसको ऑन करके ऑल पे सेट कर देना, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और कुछ लोग सवाल करते हैं कि ये रिकॉर्डर आपने कैसे लिया, कौन सा है रिकॉर्डर, तो इसका नाम स्क्रीन रिकॉर्डर। मैं हर वीडियो में नहीं बताऊंगा, इस वीडियो में बता रहा हूं, और हर वीडियो में मैं बस ये भले ही बताऊंगा कि लिंक, इसका लिंक नीचे दे रखा है, जाके प्लीज़ चेक कीजिए और रिकॉर्डर को डाउनलोड कर लीजिए अगर आपको ज़रूरत हो तो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, रिकॉर्डर के लिंक नीचे है, प्लीज़ चेक देख। टीबू टोल्ड देम टू रिलैक्सेंस, इट वॉज अ नॉर्मल फिनोमिना है। टीबू ने उनको रिलैक्स होने के लिए कहा क्योंकि एक नॉर्मल फिनोमिना है। Because of the children's presence, some monkey had climbed higher upon the trees where they disturbed the birds. बच्चों की हल्ला हुल्ली की वजह से monkeys, मतलब मैं आपको समझा देता हूँ, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। ये बहुत बड़ा ट्री है, ये ट्री और यहाँ तो बहुत ही बड़े ट्री होते हैं। तो monkey जो थे, monkey थे, कोई सा भी कलर है जो, मतलब monkey इस वाले पार्ट में थे और बर्ड्स इस वाले पार्ट में थे। तो मंकी लोग यहाँ से ऊपर चले गए क्योंकि उनको हल्ला हुल्ली मची थी, दिखी थी बच्चों की, इसलिए वो ऊपर चले गए और उसी वजह से बर्ड्स डिस्टर्ब हो गई और वो उड़ गई दूर, उस पेड़ से दूसरे पेड़ पर चली गई। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एनिमल्स ऑफन गिव दिस टाइप ऑफ वार्निंग कॉल टू अलर्ट अदर एनिमल्स। ये मैंने अभी जो समझाया है, ये अलर्ट होता है, दूसरे एनिमल्स को अलर्ट कर देते हैं कि जंगल में कोई आया है। टीबू ऑल्सो टोल्ड दैट मैनी अदर एनिमल्स लाइक बोर, बिसोन, जैकल्स, पॉर्क्यूपाइन, एलिफेंट्स लिव इन द डीपर एरियाज ऑफ द फॉरेस्ट। टीबू ने उन्हें ये बताया कि बहुत सारे दूसरे एनिमल्स जैसे कि बोर, बिसोन, जैकल्स, पॉर्क्यूपाइन, एलिफेंट्स, वो डीपर एरिया में रहते हैं, नीचे की तरफ रहते हैं फॉरेस्ट के। फिगर 17.2, ये रही वो फिगर, ये सिर्फ एक एनिमेटेड फिगर है, ऐसे रियल में नहीं होते हैं, डीपर एरिया में होते हैं बिसन, जैकल, सब। वो सिर्फ एक एनिमेटेड पिक्चर थी, उस पर ज़्यादा ध्यान मत देना। प्रोफेसर अहमद कॉशन चिल्ड्रन दैट दे शुड नॉट गो डीप इन टू द फॉरेस्ट। प्रोफेसर अहमद ने उनको ये बताया कि हमें ज़्यादा डीप तक नहीं जाना चाहिए क्योंकि डीप में जंगली जानवर भी होते हैं। बूजो एंड पर्ली रिमेंबर दैट दे हैव स्टडीड अबाउट फॉरेस्ट एज एन एग्जाम्पल ऑफ हैबिट इन क्लास 6 फिगर 17.3। बूजो और पर्ली ने क्लास मतलब 6 में पढ़ा था उनकी हैबिट्स, एनिमल्स की हैबिट जो फिगर 17.3 में दे रखी है। ये सिर्फ एक पिक्चर है, एनिमेटेड पिक्चर। दे कुल सी नाउ हाउ द फॉरेस्ट प्रोवाइड होम फॉर मैनी एनिमल्स एंड प्लांट्स। बूजो और पर्ली को अब समझ में आ रहा है कि एनिमल्स और प्लांट्स के लिए फॉरेस्ट होम कैसे प्रोवाइड करता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को ऑन करके ऑल पे सेट कर दो, मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलने के लिए। और अब हम करने जा रहे हैं वीडियो का एंड, और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि मैं जिस एडिटर से एडिट करता हूँ, जिसका नाम है काइन मास्टर, उसकी लिंक भी नीचे दे रखी है, प्लीज़ जाके चेक करें, अगर आपको ज़रूरत है उसकी तो डाउनलोड कर लीजिए। और तो फ्रेंड्स, आप डाउनलोड करोगे तो आपके मेड विद काइन मास्टर ऐसा आएगा कि, क्योंकि उसका वो ये वाटर मार्क है, मेरी वीडियो में ये वाटर मार्क नहीं आता है क्योंकि मैंने पैसे उसके लिए, उसको हटाने के लिए पैसे लगाने पड़ते हैं, मंथली कुछ पैसे देने पड़ते हैं, मैंने वो पैसे दे रखे हैं। अगर आपको भी बिना वाटर मार्क का काइन मास्टर चाहिए तो आपको पैसे लगाने पड़ेंगे। अगर आपको कोई दूसरा एडिटर पता है तो आप उससे कर सकते हैं, मेरे को ये अच्छा लगा इसलिए मैंने पैसे लगा के कर दिया। तो चलिए वीडियो का करते हैं एंड, वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।